आप देख सकते हैं मैं आपको ब्लाउज सही करना बता रही हूँ। काफी बार होता है कि ब्लाउज की लंबाई हमें बनाते बनाते हम बनाते हैं तो लंबाई छोटी पड़ जाती है। जैसे ये किसी लड़की ने बनाया और इसकी लंबाई छोटी हो गई 1.5 या 2 इंच, तो इसमें तुरपाई ना करके, इस कपड़े में तुरपाई ना करके अलग से 1.5 इंच की पट्टी काटते हैं इस तरीके की। ये मैंने काटी हुई है 1.5 इंच की, लेकिन जो नया नया बंदा होता है उसको 2 इंच, हमेशा मैंने पहले भी बताया था, 1/2 इंच फालतू लेके चलना चाहिए कपड़ा। तो जिस लड़की ने ब्लाउज बनाया उसने एक्स्ट्रा कपड़ा रखना भूल गई तुरपाई के लिए, तो ये ब्लाउज की लंबाई छोटी हो गई, जिसकी वजह से ये ब्लाउज बहुत छोटा हो गया। अब मैं इसको सही करने का तरीका बताती हूँ। 1.5 इंच की हमने पट्टी काट ली या 2 इंच की पट्टी काट ली, इसको हमने पूरा खोल लिया। खोलने के बाद हमने शुरू लास्ट नीचे का जो हिस्सा होता है ये वाला तुरपाई वाला, तुरपाई ना करके इसमें हम अलग से ये पट्टी लगाएंगे 1/2 इंच या 1 इंच बाहर रखेंगे जो आपको ठीक लगे। फिर उसको सीधी सिलाई लगा लेंगे। काफी बार होता है ब्लाउज बनाते हैं हम, पहले हमें ठीक आता है, बाद में उसकी लंबाई छोटी आने लगती है आगे आगे जिससे आपका हमारा शरीर बढ़ता है। तो आप इस तरीके से इस काम को कर सकते हो, आप ब्लाउज की तुरपाई को खोल सकते हो। तुरपाई करने खोलने के बाद आप अलग से 1.5 या 2 इंच की पट्टी काट सकते हो और उसको ज्वाइंट करके उसमें ऐड कर सकते हो और वो कपड़ा इस तरीके से बढ़ जाएगा। आप देख सकते हो ये रहा, ये इस तरीके से कपड़ा बढ़ जाएगा। और हम इसको इस तरह से करके अंदर की साइड, जो बाहर कपड़ा निकाला था 1/2 इंच का, हमने अंदर, अगर आपका किनारी का कपड़ा है तो आपको अंदर की साइड करने की 1/2 इंच कोई जरूरत नहीं है। और अगर आपका किनारी का कपड़ा नहीं है, किनारी का कपड़ा होना, किनारी के कपड़े होने की वजह से हमारा धागा नहीं निकलता, और बिना किनारी का कपड़ा होता है तो उसमें हमारा धागा निकलने लगता है, इसलिए हम अंदर की साइड 1/2 इंच मोड़ते हैं और जब जाके हम डबल काम करते हैं। आप देख सकते हो ये हमने किनारे का कपड़ा है, तो मैं डायरेक्ट भी मोड़ सकती हूँ इसको इस तरीके से। और अगर आपको 1/2 इंच अंदर मोड़ कर कपड़ा इस तरीके से फिर इसको अंदर तुरपाई करनी है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। अब मैं इसमें पूरे में सिलाई लगा लूंगी इस तरीके से। आप देख सकते हो मैंने लास्ट में सिलाई को निकाल दिया, पूरे में सीधी सिलाई लगा ली है मैंने कपड़े में पूरे में सीधी सिलाई लगाने के बाद अब मैं इसमें इस तरीके से, आप सुई धागे से भी कच्चा कर सकते हो और मशीन से भी कच्चा कर सकते हो। मैंने इसको डायरेक्ट मशीन से कच्चा कर दिया है। अंदर देखे कपड़े को, अब मशीन से डायरेक्ट कच्चा कर दिया। आप देख सकते अंदर देखे कपड़े को, अब मशीन से डायरेक्ट कच्चा कर दिया। आप देख सकते हो ये मैंने कच्चा कर दिया तुरपाई के लिए। अब मैंने ये पूरे में कच्चा कर लिया। अब आपको ये नापना पड़ेगा कि ये हमारा एक बराबर है या नहीं है। और फिर आपको निशान लगाना है इस तरीके से जहां तक आपका बराबर आए, और इसको कच्चा कर दो। 1/2 इंच जो हमने बाहर निकाला था उसको वही अंदर देना है। इसमें कोई आपको लॉक नहीं लगाना, पट सिलाई नहीं लगानी, क्योंकि ये हमारा कच्चा है। इसको हम बाद में उधेड़ देते हैं तुरपाई करने के बाद। आप देख सकते हो ये मैंने इस तरीके से कच्चा किया है। ये आपके अंदर वाली पट्टी जो हमें बाहर दिखाई नहीं देती है, तो इससे हमारे ब्लाउज की लंबाई भी बढ़ जाती है और हमारा ब्लाउज खराब होने से बच भी जाता है। ये देखो, आप देख सकते हो इसको, ये हमारी ब्लाउज की लंबाई बढ़ गई है।